Jadi, ये कुंज बिहारी ये तिजोरी भी हमारे घर के जवाइयों के जैसी हो गई है, जब तब अटक जाती है। बड़े यहाँ खड़े, तो वहां मत रहो खड़े, यहाँ बढ़ो। चलो समझ गया मां। लीजिए मालकिन, हो गया। अरे वाह, शाबाश बड़े लाल, तुमने हमारी आधी चिंता तो दूर कर दी। अब बड़े लाल घर के समाचार सुनाकर हमारी चिंता और बढ़ा दो, मतलब कि दूर कर दो। मालकिन घर के हालात तो एकदम काबू में हैं। अरे हाँ, छोटी मालकिन और लॉली डॉली दीदी, लॉली दीदी के सहेली की शादी में गए हुए, नाना जी का मिठाई खाना, महान जी की एक्टिंग और पीके जवाई जी का भूलना, ये सब सीमा रेखा के अंदर ही हो रहा। चलो बढ़िया, लेकिन आस पड़ोस के लोगों में कल हंगामा हो रहा था। ये क्यों? क्योंकि चिंटू जमाई जी ने उन्हें जो स्कीम बेची थी, लोगों का कहना था कि उनसे उनको घाटा हुआ है। अरे पर मामला शांत हुआ कि नहीं? हुआ ना मालकिन, चिंटू जमाई जी ने उन्हें नई स्कीम दे दी और कहा कि इस स्कीम से हिसाब बराबर हो जाएगा। ये चिंटू जमाई तो हमारी इज्जत का बट्टा बिठा कर रहेगा। हाँ चिंटू। रानी जी की जय हो, कैसे याद किया? बेटा तुम चीज ही ऐसी हो कि उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। और हमने तो ये सुना है कि पड़ोसी भी तुम्हें याद कर कर के इकट्ठा हो रहे हैं। वो नानी जी, वो क्या हुआ ना कि बहुत दिन हो गए मेरे से मिले नहीं थे, बेचारे तड़प रहे थे, तो ढूंढते घूमते आ गए घर के अंदर मिलने के लिए। अच्छा। फिर पूछने लगे भाई कोई स्कीम है तो बताओ। मैंने उनको नई स्कीम टिका दी, मेरा मतलब है समझा दी नानी जी, हंसी खुशी चले गए बेचारे वापसी। नानी जी जो जन सेवा का स्वाद है ना, वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। चिंटू बेटा, अगर हमें पता होता कि तुम में जनसेवा इतनी कूट कूट के भरी है तो हम तुम्हें कंपनी का एमडी नहीं बनाते, तुम्हें अपनी मिठाई की दुकान के बाहर बिठाते, वहाँ तुम लोगों से मिलते, तुम्हारे जनसेवा के अरमान भी पूरे होते, साथ में कुछ काम भी कर देते मक्खी वक्खी मारने का। नानी जी नहीं 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 नहीं, ये मक्खी मारने का काम आपको याद होगा साधु भाई का है। नानी जी मेरे लिए ना सर्वोप्रिय सबसे ऊपर मेरी प्यारी नानी जी की सेवा है, ये जन सेवा बन सेवा त्यागी हूँ मैं तो, बचपन से आपको पता है, त्याग दिया आज से। चलो चलो तुम्हारे लिए यही बेहतर रहे। नानी जी की जय हो। जन सेवा मत करो, काम करो। अजाब गजाब घर जमाई। अरे हाँ, ये बड़े लाल नाम की बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। विज्ञान के अनुसार बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहिए वरना वो पुनः लौट आती। अरे धीरे बोलो धीरे। अरे बड़े लाल की बीमारी की जड़ जगदम्बे है, मरवाएगा क्या? नानी जी लेकिन एक बात कहूँ, जड़ फल पत्ते पेड़ खुद बड़े लाल ही है, समझ रहे आप बात? अब इसको मारने के लिए, मेरा मतलब है ठिकाने लगाने के लिए ना, मेरे पास एक तरकीब है, आप लोगों को साथ देना होगा मेरा। भाई सबका पीछा छूटेगा, मेरा अकेले का थोड़ी छूटेगा। देखो भैया इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते, अगर जगदम्बे को पता चल गया ना तो मेरा जो आने वाला बुढ़ापा है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। और वैसे भी हमें बड़े से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और जब हम सुपरस्टार बन जाएंगे तो बड़े जैसे 10-15 नौकरों पे तो हम ऐसे ही हुक्म जताएंगे। रहने दो, आपसे यही उम्मीद है, आपसे होगा भी नहीं। अरे साड़ू भाई, हम ही करके दिखाएंगे, हम ही बनेंगे कल के सुपरस्टार। ये बात है, सही बताओ, ऑडिशन करके देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ जब चाय ले लो। जब क्या? फिलहाल चाय लो, अंदर ऑडिशन लेते हैं, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। ये लो नाना जी। देखो नाना जी, बगावत की बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे कौन सी एक्टिंग आती है? क्या बात कर रहे हो नाना जी आप? देखो हम साधु भाई को अगर मदद करेंगे ना डायलॉग बोलने में तो आप समझ रहे हो फीलिंग आएगी उनके अंदर, क्या कहते हैं वो उसको, एक्शन रिएक्शन। हाँ एक्शन जैक्शन आएगा, वो होगा तभी तो स्वाद आएंगे। क्या बात कर रहे हो, आपको एक्टिंग नहीं आती है नाना जी? हैं झूठ मत बोलो, क्या एक्टिंग की थी रामलीला में? क्यों नहीं नाना जी, पर नाना जी सिर्फ दो दो लाइन के डायलॉग है, दो दो लाइन के, अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तो आपको सब याद आ जाएगा। साथ दीजिए हमारा साथ। हमें भी संवाद दीजिए ना, हम भी सहायता करना चाहते हैं। ससुर जी की जय हो, आप रहने दो, आपको याद नहीं होगा है ना, आप एक काम करो वहीं बैठ जाओ, वहीं टिक जाओ। जय हो।
हाँ तो साडू भाई शुरू करते हैं। यस तुम हाँ हाँ बोलते रहना। हाँ 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 अच्छा हाँ अच्छा जो भी हो हाँ जो भी हो हाँ हाँ ये करते रहना। साडू भाई एक्शन बोल दो जरा। जैक्सन ये जुल्म हमसे अब और नहीं सहा जाएगा, हम बगावत करते हैं। इस बगावत में हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे करते हैं क्या? महाराज आप लोग रहने दो, आप लोगों से नहीं होगा, रहने दो रहने दो रहने दो। अरे नहीं नहीं साडू भाई हम ही से होगा, हम कर रहे हैं करते ना। नाना जी जरा जोश में वही बजरंग बली वाला बल आप याद करो, अब हमसे ये जुल्म और नहीं सहा जाएगा, हम बगावत करते हैं। इस बगावत में हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ हाँ आओ मिलकर लूट लें इस घर को और तोड़ दें गुलामी की जंजीरें। हाँ हाँ बगावत वो भी जगदम्बा शक्तिशाली के घर में, तुम लोगों ने क्या सोचा था तुम लोग बगावत करोगे और हमको पता तक नहीं चलेगा? जगदम्बे हम बगावत करने का अंजाम भूल गए? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपनी सालों से चली आई परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं। जो भी एक खिलवाड़ करने की कोशिश करता है ना, हमारी परंपराओं को छेड़ने की कोशिश करता है ना, उसे हम छोड़ते नहीं है। बेहतर ये होगा तुम लोगों के लिए कि तुम सब अपनी ये बगावत भूल जाओ। सासू जी चिंता ना करें, हम अवश्य भूल जाएंगे। सबके लिए यही अच्छा रहेगा। नानी जी आप क्या बात कर रही हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो बगावत करने की कभी सोची भी नहीं, और हम तो स्क्रिप्ट पढ़कर एक्टिंग कर रहे थे, क्यों नाना जी? हाँ, अब ये देखो महान चिंटू और हम ये देखो एक्टिंग कर रहे थे, ये देखो स्क्रिप्ट, ये देखो। मैं तो हाँ हाँ कर रहा था खाली। नानी जी साडू भाई ने कमाल कर दिया, क्या एक्टिंग करी, क्या डायलॉग बोला इन्होंने बगावत का। मान गए साडू भाई आपको, है मान गए भाई आपको, देखो नानी जी को भी धोखे में डाल दिया आपने तो। आखिर धोखा तो हम खा गए, हमको नहीं पता था कि आप सब लोग अपना काम धाम छोड़कर महान के साथ एक्टिंग में पॉलिशिंग करने में लग गए। वो क्या जगदम्बे पिछली बार में हनुमान बना था ना तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने सोचा एक्टिंग शुरू करते हैं। अन्ना जी रामलीला अगले साल आएगी, आप लोग जाके ड्रामा कीजिए, हमने जरा बड़े लाल से बातें करनी। नानी जी की जय हो। जी एक बात बताओ बड़े, तुम इतनी जल्दी में क्यों रहते हो, बिना सोचे समझे दौड़े दौड़े चले आते हो। माफ कर दीजिए मालकिन हमसे गलती हो गई, हम आइंदा चिंटू जमाई जी के ऊपर शक नहीं करेंगे। तो फिर किस पर शक करोगे, हम पर? अरे बड़े इस पूरे घर में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिस पर शक किया जा सकता है, चिंटू ने तुम्हें उल्लू बनाया है, उसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, उस पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी, उसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, समझ गए? समझ गया मां। साडू भाई आज के बाद अपनी चंडगिरी में आप हमारा इस्तेमाल मत करना, और ये जो अपनी स्कीम चलाते हो ना इससे हमें दूर रखो तुम। सासू माँ ने हमें भी कितना डांटा, वो तो हमें स्मरण नहीं रहता, अन्यथा हमें कितना दुख हुआ होता। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने किसी पड़ोसी के लिए किया है। अरे भाई आप लोगों के लिए किया है, अगर उस काम में मैंने आप लोगों की मदद ले ली तो क्या बुरा कर दिया? आप लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके स्कूटरों से पेट्रोल निकाल दिया मैंने। एक बात बताओ मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर बड़े लाल सुधर गया तो मेरा अकेले का फायदा होगा, हैं? सबका फायदा होगा ना? पर कोई बात नहीं, मेरी तो वैसे भी आदत रही है नेकी करो दरिया में डालो। अरे चिंटू बेटा हम कोई परसों से यहाँ नहीं रह रहे, बरसों से रह रहे हैं। बड़े लाल वो है कुत्ते की पूंछ जो सीधी नहीं होगी। नाना जी मैं भी गिरगिट की दूं जो सीधी नहीं होती और रंग भी बदलती है, अब देखो बड़े लाल का कैसे रंग बदलता हूं मैं। बड़े लाल को गोरा करोगे क्या? चश्मा देखो अपना पहले। बड़े लाल को देखा था ना काला पड़ गया होगा। अजब गजब घर जमा।